मलेशिया के हवाले से लोग पूछते हैं कि मलेशिया की फ्री की पीआर किस तरह मिल सकती है या परमानेंट रेजिडेंस किस तरह मिल सकती है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं मलेशिया की पीआर लेने के, परमानेंट रेजिडेंस लेने के, लेकिन जो फ्री का तरीका है वो आज आपसे हम शेयर करेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि अगर आप फ्री की परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं और मलेशिया में सेटल होना चाहते हैं तो आप किस तरह ले सकते हैं। देखें, एशिया के चंद ममालिक में से मलेशिया वो वाहिद मुल्क है जो आपको परमानेंट रेजिडेंस देता है। अगर आप गल्फ जाते हैं, गल्फ आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं देता। गल्फ, अगर आपने गल्फ में शादी भी कर ली है तब भी आपको कभी भी पीआर या आपको नेशनैलिटी कभी भी नहीं देगा। इवन अदर देन यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपको कोई भी परमानेंट रेजिडेंस नहीं देता। एशिया के चंद ममालिक में से एक मुल्क मलेशिया भी है जो आपको परमानेंट रेजिडेंस देता है, लेकिन उसके तीन फेजेस हैं या तीन टाइप्स हैं जिनमें आप परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। हम बात करें फ्री की रेजिडेंस की, कि फ्री जो है आप मलेशिया में किस तरह परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। देखें, 2023 में मलेशियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया जिसके मुताबिक मलेशिया में इस टाइम के ऊपर 60 से 65% फीमेल है और तकरीबन 30 से 35% मेल कम्युनिटी है, जो कि अब ये बताई जा रही है कि 50-51% हो गया, लेकिन एक्चुअली जो सही रेशियो है वो है 65-35 की रेशियो है। तो मलेशिया में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, उनसे शादी करना चाहती हैं। उनसे शादी करने के बाद आपको 5 साल के बाद ये पूछा जाता है कि क्या दोनों का एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं कि नहीं। अगर वो आपको, अब देखें उसमें होता ही है कि आपका 5 साल तक कंजक्टिव एक एक साल का वीज़ा लगता रहता है। आपको 5 साल का वीज़ा जब लग जाता है तो उसके बाद आपको मलेशियन इमिग्रेशन और ब्यूरो, जो मैरिज ब्यूरो है जहाँ पर आपका मैरिज रजिस्टर्ड होता है, वो आपको बुलाते हैं, आपको पूछते हैं कि क्या जो है वो आप एक दूसरे के साथ परमानेंट रहना चाहते हैं या आपका आपकी सेपरेशन हो रही है। अगर दोनों कपल ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, हम अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, तो फिर मलेशियंस क्या करते हैं, आपको 5 साल का वीज़ा दोबारा देते हैं। अब जब आपको उस तरह मलेशिया में स्पाउस वीज़ा मिल जाता है तो उसकी बेस के ऊपर आप मलेशिया में बिज़नेस कर सकते हैं। आप मलेशिया में अपनी वाइफ के नाम के ऊपर कोई भी बिज़नेस आप करना चाहें, किसी भी टाइप का बिज़नेस करना चाहें, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ग्रैब्स वगैरह चलाते हैं जो कि फॉरनर्स को नहीं अलाउ होती हैं, आप फिर वो ग्रैब भी चला सकते हैं। वो सारा का सारा सिनेरियो जो एक मलेशियन नेशनल को मिलता है वो सारा का सारा आपको मिल जाता है। तो इसलिए अगर आप मलेशिया में फ्री पीआर लेना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके पास कि आप शादी कर लें मलेशियन के साथ, और आपको पाकिस्तान से कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी पड़ेगी, जो कि मेरी ऑलरेडी पहली वीडियो है, उसके ऊपर आप जाके वो देख सकते हैं। तो आप अगर फ्री पीआर लेना चाहते हैं, मलेशियन पासपोर्ट या मलेशियन नेशनल बनना चाहते हैं, तो आपके पास यही एक सोल्यूशन है जिससे आप परमानेंट रेजिडेंस फ्री ले सकते हैं। मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको मिलेंगी मलेशिया के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स।